जैसे ती मंजिली कोठी में एक से दूसरी मंजिल तक और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां होती है, वैसे ही शिक्षा में भी अनेक मंजिलें होनी आवश्यक है। पूर्ण विराम। ती मंजिली कोठी में जैसे कुछ लोग पहली मंजिल में ही रह जाते हैं और वे उसके आगे नहीं जाते, तथापि उनके आराम की सभी चीजों की उपलब्धि उसी मंजिल में रहती है, वैसे ही शिक्षा में भी होना आवश्यक है। पूर्ण विराम। हमको यह समझ लेना है कि कुछ लोग शिक्षा की पहली मंजिल में ही रह जाएंगे, कुछ लोग दूसरी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और तीसरी मंजिल तक थोड़े से लोग ही पहुंच सकेंगे। पूर्ण विराम। जो जिस मंजिल में रह जाएगा या जिस मंजिल तक पहुंच पाएगा वहां तक वह जो कुछ सीखना और देखना चाहेगा वह उसे सुलभ होगा। पूर्ण विराम। लोग समाज के लिए सहयोगी सिद्ध हों, इसके लिए उनको आवश्यक सुविधाएं दी जानी है। पूर्ण विराम।